आज हम रोजा और सहरी के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। सहरी रोजे का एक अहम हिस्सा है। दूसरे लफ्जों में रोजे की इब्तिदा सहरी से होती है कि सहरी क्या चीज है और इसकी क्या अहमियत है और इसका वक्त कब होता है। कुरान पाक में इसके बारे में अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया, कुलू वश्रबू हत्ता यतबयन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, खाओ और पियो यहाँ तक के वाजे हो जाए तुम्हारे लिए सफेद धागा स्याह धागे से फजर के वक्त। जब यह आयत नाजिल हुई तो एक सहाबी ने रात के वक्त अपने सरहाने के नीचे एक सफेद धागा रख लिया और एक स्याह धागा रख लिया और वो रात भर देखते रहे कि किस वक्त इन दो धागों का फर्क मालूम होगा। जब वो इस चीज को पहचान न पाए तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में जिक्र किया तो आपने फरमाया कि इससे मुराद स्याही शब की धारी है और सुपैदा सुबह की धारी है, यानी जब रात और दिन आपस में अलग अलग नजर आना शुरू हो जाए या दिन का आगाज एक तरह से या फज्र का आगाज एक तरह से नुमाया होने लगे तो वो वक्त सहरी का वक्त होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहरी के लिए आजान हुआ करती थी। एक मुत्तफक अलैह रिवायत के मुताबिक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो रात को सहरी से कबल आजान दे दिया करते थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक खाओ पियो जब तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम आजान न दे दें, इसलिए कि इब्ने उम्मे मक्तूम एक सहाबी का नाम है, उस वक्त तक आजान नहीं देते जब तक फजर न हो जाए। और सहरी में ये बात बहुत अहम है कि इंसान कुछ न कुछ खा ले या कुछ पी ले, क्योंकि बगैर खाए पिए रोजा रखना कुछ पसंदीदा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बार फरमाया, तुम लोग विसाल से बचो या सौवे विसाल से बचो। अहले किताब और मुसलमानों के रोजों में जो फर्क है वो सहरी ही को करार दिया। मुस्लिम की एक हदीस में आता है, अन अम्र इब्न अलास قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلت السحر। हजरत अम्र इब्न अलास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोजों के दरमियान सहरी खाने का फर्क है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मजीद ताकीद बयान करते हुए फरमाया कि सहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। मुसनद अहमद की एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया कि सहरी खाना बायस बरकत है, इसे मत छोड़ो चाहे कोई एक घूंट पानी ही पिए, क्योंकि अल्लाह सुभानहु ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। हजरत अनस से भी रिवायत है, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة, कि सहरी किया करो क्योंकि सहरी करने में बरकत है। गोया ये एक बाबरकत खाना है और पसंदीदा है। इससे ये पता चलता है कि हमारा दीन हमें एतदाल सिखाता है। जहां दिन भर खाने पीने से बचने के लिए कहा गया, वहां रोजे के इब्तिदा में या आगाज में खाना खाना या कुछ भी खाना पसंदीदा करार दिया गया और कुछ न खाना इससे मना किया गया। आमतौर पर होता यह है कि जब हम एक काम शुरू करते हैं फिर उसमें हमें लुत्फ आने लगता है, फिर हम उसे करते ही जाना चाहते हैं, लेकिन नेकी के काम में भी एतदाल जरूरी है और इंतहा पसंदी दुरुस्त नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि सहरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक नाश्ते का नाम दिया। इरबाज बिन सारिया से रिवायत है, कहते हैं कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में मुझे अपने साथ सहरी खाने के लिए बुलाया और फरमाया कि हलुम्मा इलल गदा मुबारक, आओ मुबारक नाश्ते के लिए। यानी आपने सहरी की दावत किस तरह दी कि आओ मुबारक नाश्ते के लिए। सहरी आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, बाकायदा खाना भी खा सकते हैं, खजूर भी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, किसी भी चीज से आप सहरी कर सकते हैं, लेकिन सहरी के वक्त खजूर खाना पसंदीदा अमल है। अन अबी हुरैरा तकाल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر, आपने फरमाया कि मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी खजूर है। अब सहरी से मुतल्लिक कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर बहुत से लोग सिर्फ सहरी इसलिए नहीं खाते कि वो सुबह उठ नहीं सकते या उनको उठना मुश्किल लगता है। तो जाहिर है कि अगर हमें ये मालूम हो कि सहरी खाने वालों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं और ये एक बाबरकत चीज है
और सहरी खाकर रोजा रखना ज्यादा अजर सवाब का बायस है तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश किस तरह की जाए, तो उसमें पहली चीज तो यह है कि रात को जल्दी सोया जाए। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि नमाज इशा के बाद आप बातें करने को नापसंद करते थे और सो जाया करते थे, तो गोया अगर रात के वक्त इंसान जल्द सो जाता है तो सुबह सहरी के वक्त उठने में उसको मदद मिल सकती है। फिर इसी तरह यह कि अगर किसी को उस वक्त खाना पकाने में मुश्किल हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि रात के वक्त कुछ तैयारी करके सो जाए, और अगर खाने को दिल ना भी चाहे तो कोई ऐसी चीज इख्तियार कर लें जो आपकी पसंदीदा हो, या फिर यह है कि उस वक्त आप थोड़ा सा ही कुछ ले लें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये आदत आप डेवलप कर सकते हैं। अगर एक दिन आप थोड़ा सा खाएंगे फिर दूसरे दिन थोड़ा और खा सकते हैं। और फिर यह भी है कि खाने में इत्तदाल बरतना चाहिए, ऐसी चीजें खाने से भी परहेज करना चाहिए कि जिससे आपको तकलीफ हो और आपको भारीपन महसूस हो, क्योंकि उससे फिर इबादत की लज्जत खत्म होकर रह जाती है। बाज़ुकत यह देखा गया है कि लोग सहरी के वक्त से सही फायदा नहीं उठाते। सहरी का वक्त एक बहुत बाबरकत वक्त होता है, उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, उस वक्त अल्लाह के हुजूर झुकना और खुशू खुजू से नमाज अदा करना एक बेहतरीन इबादत होती है। अगर उस वक्त थोड़ा बहुत खाने के बाद इंसान अपने वक्त को जिक्र इलाही में गुजारे तो ये इंसान के लिए बहुत सआदत का बायस हो सकता है और उसकी रूहानी कुव्वत में मजीद इजाफे का सबब हो सकता है। लेकिन ये देखा गया है कि बाज़ुकात लोग इस वक्त फिर सो जाते हैं। ये सोना यानी सहरी के वक्त सहरी खाकर फिर सो जाना दो एतबार से नुकसानदेह है। दीनी एतबार से तो इस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के फौरन बाद सोने को दिल की सख्ती का सबब बताया, यानी फौरन सोने से दिल सख्त हो जाता है। और दूसरा नुकसान तिब्बी नुकसान है कि उस तरह सोना दिल की शरियानों को सख्त कर देता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि दीनी नुकसान और दुनियावी नुकसान दोनों कितने बाहम करीब हैं। एक रूहानी सख्ती होती है दिल की और एक जिस्मानी सख्ती। फिर इसी तरह ये कि बाज़ लोग उस वक्त को बातचीत करने में, टेलीफोन करने में, गपशप में गुजार देते हैं, तो फजर का वक्त बहुत सुहाना वक्त होता है। उस वक्त को रोजा रखने के बाद नमाज पढ़िए, नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत कीजिए, क्योंकि इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, उस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं। जिक्र अज़कार कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम कुछ मखसूस अज़कार भी किया करते थे जो सुबह शाम की दुआओं के नाम से मारूफ है। वो दुआएं हिफाजत की दुआएं भी हैं, तो अगर उस वक्त इंसान उन दुआओं को पढ़ता है तो वो उसके लिए बहुत अजर सवाब का बायस है। फिर इसी तरह यह है कि सहरी खाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास वो लोग जो सहरी पकाने में या सर्व करने में हमारे मददगार हैं, उन लोगों के लिए भी इतना वक्त बच जाए कि वो भी अच्छे तरीके से सहरी कर सके। क्योंकि अमूमन लोग अपने सर्वेंट्स को या अपने खिदमतगारों को इतना मौका नहीं देते कि वो इत्मीनान से खा सके। हमारा दीन तो हमें यही सिखाता है कि हम दूसरों का भी ख्याल रखें, दूसरों की गमगुसारी करें और दूसरों की मदद करें। तो अगर हम अपनी इबादत के वक्त खुद गर्ज हो जाएंगे और दूसरों का लिहाज नहीं रखेंगे तो इससे इबादत की सही रूह को नहीं पा सकेंगे। बहरहाल सहरी से मुतल्लिक अगर आपके जहन में कुछ मजीद सवाल हो ताकि इस मौजू को मजीद वाज़ेह किया जा सके तो आप सवाल कर सकते हैं। सवाल विसाल से क्या मुराद है? विसाल का लफ्ज़ वसल से है जिसका माना है मिलाना। अहले किताब में रोजे के मुख्तलिफ तरीके राइज थे जिसमें से एक तरीका सौमे विसाल का था और उसकी भी कई शक्लें थी। मसलन एक शक्ल ये थी कि एक शख्स फर्ज रोजों के सिवा नफली रोजे इस तरह से रखे कि बगैर वक्फे के मुसलसल महीने महीने या दो महीने के रोजे रखता चला जाए। सौमे विसाल की दूसरी शक्ल ये थी कि एक शख्स सहरी खाकर दूसरी सहरी तक मुसलसल रोजा रखे और बीच में कुछ न खाए पिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है क्योंकि ये इंसान के ऊपर बहुत मशक्कत का सबब बन जाता है, उसमें फिर इबादत की स्पिरिट कम हो जाती है और नफ्स खुशी का एक दूसरा रुझान पैदा होता है जो पसंदीदा नहीं। क्योंकि इस्लाम में इबादत की गर्ज या मकसद अजियत देना नहीं है, तरबियत करना है जी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अजाना हो रही होती है और हमारी आंख खुलती है तो ऐसे में जल्दी से उठ के कुछ ना कुछ खा लेते हैं, और अमूमन ऐसा होता है कि आखिरी अजान होने तक खाते ही रहते हैं, तो क्या इस तरह से रोजा हो जाता है? इसमें आप देखिए कि सहरी खाने में ताखीर जो है वो पसंदीदा है। अब अजानों के औकात बाज़ोकात मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि सब अजानें सहरी के इख्तिताम का ऐलान नहीं होती, इसलिए आपके पास ऐसा कैलेंडर या चार्ट होना चाहिए जिससे आपको ये मालूम हो कि सहरी खाने का वक्त कब तक है। लेकिन यह है कि
ये समझना कि बहुत जल्दी सहरी खा लेने से ज्यादा सवाब मिलेगा तो ऐसा नहीं। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि तीन बातें अखलाकी नबुव्वत में से हैं, नंबर एक रोजा जल्दी इफ्तार करना, नंबर दो सहरी देर से खाना यानी आखिरी वक्त तक खाना, और नंबर तीन नमाज में दाया हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखना। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और रिवायत है कि आपने फरमाया जब कोई आदमी आजान सुने और पीने का बर्तन उसके हाथ में हो तो उसे फौरन ना रख दे बल्कि अपनी जरूरत पूरी कर ले। तो अगर एक शख्स ऐसे वक्त में उठा कि जब आजान हो रही है, अब उस वक्त में कुछ खाने का वक्त तो नहीं होगा, कुछ पी सकता है, मसलन दूध का गिलास पी सकता है, एक आध खजूर खा सकता है, तो दो चार मिनट का वक्त उसको मिल सकता है, तो उसमें आजान के इख्तिताम तक अगर वो अपनी जरूरत पूरी कर ले तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन फिर ये याद रहे कि आजान सहरी के इख्तिताम की आजान नहीं होती, वो नमाज फजर के ऐलान के लिए होती है। अगर आपके पास ऐसा निजामुल औकात है जिससे आपको ये पता चल जाए कि सहरी का आखिरी वक्त कौन सा है और उससे दो चार मिनट आगे पीछे हो जाए तो इंशाल्लाह ताला रोजा हो जाएगा। अगर किसी वजह से सहरी नहीं कर सके तो क्या सहरी किए बगैर रोजा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रोजा हो जाएगा। अगर आपने रात को सोने से पहले ये नियत की थी कि सुबह मैं रोजा रखूंगी तो इंशाल्लाह ताला अगर सहरी नहीं भी खाई तब भी रोजा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।